जी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 10.1। तो पहला सवाल कह रहा है एक रेखा मान लीजिए ए बी खींचिए, आपको ए बी खींचना है। तो हमने मान लिया ए बी खींच दिया और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, यानी इस रेखा पर नहीं लेना है, इसके बाहर आपको कहीं पर बिंदु लेना है। जैसे मान लेते हैं हमने ये बिंदु ले लिया, ठीक। अब कह रहा है केवल पैमाना और प्रकार की का प्रयोग करते हैं, पैमाना प्रकार का प्रयोग करना है। सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए, ये जो हमने बिंदु सी लिया था, ठीक, सी से होकर जाना है, ए बी के समांतर रेखा खींचना है, ठीक। ये हमारा सवाल है। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये जो सी पॉइंट दिया है, ठीक, तो यहाँ पर जब हम रचना लिखेंगे तो सी से ए बी पर लंब डालेंगे। देखिए लंब कैसे डाला जाता है, हमने सी पर रखा, और इस प्रकार को इतना बढ़ाना है कि कम से कम ये जो ए बी रेखा दी है इसको दो जगह से ये काट दे। देखिए ऐसे यहाँ पर सी पर बनाया, कितनी जगह से कम काट दे, दो जगह से। अब ये जो दो पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, ठीक, तो इसको अर्धक करते हैं। देखिए अर्धक कैसे करते हैं, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर, ठीक, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर अर्धक करते हैं। आधे से ज्यादा दूरी लेकर अर्धक करते हैं, तो ये जो सी से ए बी पर क्या डाला गया, लंब। अब जब ये सी पॉइंट हमको ज्ञात हो गया तो अब यहां पर हम 90 अंश का कोण बनाएंगे। तो देखिए 90 अंश का कोण आप त्रिप्रकार्ष की सहायता से बना लीजिए, जैसे बनाया जाता हो, ठीक, जैसे यहां पर ये चाप लगाएंगे। पहला कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का, दूसरा 120 अंश का, और 120 और 60 का जब हम आधा करेंगे तब हमारा ये 90 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक, यानी ये 90 अंश का, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम रेखा खींच देंगे, तो ये जो रेखा होगी, ठीक, ए बी के समांतर होगी। अब हम बात करते हैं इसकी रचना, देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सर्व प्रथम हमने रेखा ए बी खींची, सर्वप्रथम हमने क्या रेखा खींची, ए बी खींची, उसके बाहर बिंदु सी लिया, ठीक, सी से ए बी रेखा पर लंब डाला गया। सी से ए बी पर हमने क्या डाला, लंब। फिर सी पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची जो ए बी के समांतर है, जो ए बी के समांतर है। इस प्रकार से आप लिख लेंगे। देखिए सर्वप्रथम हमने ए बी रेखा खींची, उसके बाहर बिंदु कौन सा लिया, सी। सी से हमने ए बी पर क्या डाला, लंब डालने का तरीका। फिर जब लंब बन गया फिर हम सी से, देखिए लंब डाला गया, फिर सी पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींची जो ए बी के समांतर, ये ए बी के समांतर, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। एक रेखा यल खींची, हमने एक रेखा यल खींच दी, ठीक, और यल पर स्थित किसी भी बिंदु पर, यानी यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है लेकिन यल पर होना चाहिए, कहीं पर भी हम मान सकते हैं कोई बिंदु, ठीक, किसी भी बिंदु पर यल पर लंब खींचे, यानी यल पर क्या करना है आपको, लंब खींचना। लंब मतलब होता है 90 अंश का कोण। तो देखिए 90 अंश का कोण कैसे बनते हैं, बनाया जाता है, मान लेते हैं हमने ये चाप लगाया, तो पहला चाप कितने का काटता है, 60, फिर 120, तो 60 और ये जो 120 है इसका आधा जब हम करेंगे
तो ये हमारा बन जाएगा 90 अंश का कोण, ठीक। कितना बन गया ये 90 अंश का, यानी ये हमारा लंब हो गया। ठीक, अब यहां पर कह रहा है यल पर लंब खींचिए, इस लंब रेखा पर एक बिंदु यक्ष लीजिए। ये जो हमने लंब खींचा इस पर हमको एक बिंदु कौन सा लेना है, यक्ष लीजिए, जो यल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये जो यल रेखा है यानी ये जो हमने लंब खींचा इस पर एक यक्ष लेना है, लेकिन कहाँ पर लेना है, जो यल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो या तो फिर 4 सेंटीमीटर आप चाप लगा लें या हम इस यहाँ पर नाप लें, तो 4 सेंटीमीटर आ गया ये वाला। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस लंब रेखा पर एक बिंदु यक्ष लीजिए, ठीक, जो यल से 4 सेंटीमीटर की दूरी, यानी यल रेखा से कितनी दूरी पर हो, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। यक्ष से होकर यल के समांतर रेखा खींचिए, यानी इस यक्ष से होकर यल के समांतर एक रेखा यम खींचिए। तो देखिए समांतर कैसे खींचेंगे, अब यहाँ पर 90 अंश का कोण बना देंगे, अच्छे से बनाना थोड़ा। अब ये चाप काटेंगे, पहला कितने का कटता है 60, फिर 120, और 60 और 120 का आधा हो गया। ठीक, अब ये हमारा यम रेखा हो जाएगी। ठीक, इस रेखा का नाम क्या होगा, यम। ठीक, अब देखिए हमारा कंप्लीट हो गया, यक्ष से होकर, ये जो यक्ष रेखा थी, यक्ष से होकर यल के समांतर एक रेखा यम खींचे, हमारा कंप्लीट हो गया। अब रचना देखिए कैसे लिखेंगे, रचना सर्वप्रथम हमने कौन सी रेखा खींची, यल रेखा खींची, फिर यल पर कोई बिंदु लेकर एक लंब रेखा खींची। ठीक, फिर क्या किया, लंब रेखा खींची। आप देखिए लंब रेखा पर यल से चार सेंटीमीटर की दूरी पर एक्स बिंदु लिया। ठीक, एक्स बिंदु लिया। अब देखिए एक्स पर लंब 90 अंश बनाते हुए रेखा खींची जो यल के समांतर है। ये आंसर हो जाएगा। अरे मान लीजिए यल एक रेखा है, इसे मान लेते हैं कोई यल एक रेखा है, फिर कह रहा है और पी एक बिंदु है, कोई बिंदु क्या है, पी। ठीक, पी एक बिंदु है जो यल रेखा पर स्थित नहीं है। पी से होकर यल के समांतर एक रेखा यम खींचे, पी से होकर यल के समांतर एक यम रेखा खींचना है। अब देखिए इसके समांतर कैसे खींचा जाता है, वो तो यहाँ पर लंब डालेंगे, इसका अर्धक करेंगे यहाँ पर, ठीक, फिर यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक। अब अच्छे से समझना, देखिए यहाँ पर कह रहा था यल एक रेखा है इस पर और पी एक बिंदु है जो यल रेखा पर स्थित है, इस रेखा पर स्थित नहीं है, तो पी से होकर यल के समांतर एक रेखा यम खींचिए, पी से होकर यल के समांतर एक रेखा यम खींचना था। तो देखिए कैसे खींचा जाता है, यहाँ से लंब डालेंगे यानी इस दो जगह से काट दे, फिर उसका अर्धक करेंगे जिस प्रकार से किया जाता है, और ये बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पर ये हो गया हमारा लंब। ठीक, अब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हैं, पहला 60 अंश, 120 इसका अर्धक,
और रेखा बढ़ा देंगे। अब देखिए कह रहा है यम खींचे, अब पी को यल के किसी बिंदु क्यू से जोड़िए। अब ये जो बिंदु पी है, पी को यल के किसी बिंदु, अब देखिए यल ये जो है इसमें किसी बिंदु, कोई ये पॉइंट एक नहीं दिया है, आप यहाँ पर मान लीजिए क्यों, ठीक कह रहा है, पी को यल के किसी बिंदु, यल के किसी बिंदु यानी कई बिंदु है यहाँ पर, तो यल के किसी बिंदु क्यू से जोड़िए। इस पी को यल के किसी बिंदु क्यू से जोड़िए, क्यू से जोड़िए, यम पर कोई अन्य बिंदु आर चुनिए। यम ये जो बिंदु है यम रेखा, इस पर कोई बिंदु आर चुनिए, एक आर चुनिए, आर से होकर पी क्यू के समांतर एक रेखा खींचिए। आर से होकर जाए और ये जो पी क्यू रेखा है इसके समांतर, तो आप समांतर ठीक देखिए, ये इसके समांतर है, इसके समांतर है, लगभग ये इसके क्या होगी समांतर होगी, ठीक। आर से होकर पी क्यू के समांतर रेखा एक रेखा खींचिए। मान लीजिए यह रेखा रेखा यल पर, यल से यस बिंदु पर मिलती, यल से यस बिंदु पर मिलती है। समांतर रेखाओं के इन दोनों युग्मों, दोनों युग्मों कौन से, एक तो समांतर रेखा है हमारी पी क्यू समांतर है आर एस, और दूसरा युग्म है ये पी आर समांतर है क्यू एस के, ठीक। तो कह रहा है समांतर रेखाओं के इन दोनों युग्मों से क्या आकृति बनती है, तो ये कौन सी आकृति बन रही है, ये समांतर चतुर्भुज की आकृति बन रही है। कैसा बनना है, समांतर चतुर्भुज की आकृति बन रही है। एक्सरसाइज 10.1 दाइन। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।